हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द इंग्लिश गाइड। फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं कुछ एडवांस सेंटेंसेस जो कि हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। तो आइए विदाउट डिले हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कई बार फ्रेंड्स हम सेंटेंस बोलते हैं दूर की बात है या छोड़िए, जैसे खाना बनाना तो दूर की बात है, उसे चाय भी बनाना नहीं आती, कार चलाना तो दूर की बात है, उसे साइकिल चलाना भी नहीं आती, या कार चलाना तो छोड़िए उसे साइकिल चलाना भी नहीं आती। इस तरह के सेंटेंस हम कैसे फ्रेम करते हैं, इसके लिए हम यूज़ करेंगे लेट अलोन का। फ्रेंड्स, किसका यूज़ करेंगे? लेट अलोन। एग्जाम्पल से समझते हैं, अंग्रेजी बोलना तो छोड़ो, या इसे कह सकते हैं अंग्रेजी बोलना तो दूर की बात है, उसे हिंदी बोलना भी नहीं आती। तो हम इस सेंटेंस को फर्स्ट में ट्रांसलेट करेंगे, उसे हिंदी बोलना भी नहीं आती। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है ही डज नॉट नो, या फिर ही डजंट नो, हाउ टू स्पीक हिंदी। अब हम अंग्रेजी बोलना तो छोड़ो, इसके लिए हम यूज़ करेंगे लेट अलोन। लेट अलोन इंग्लिश, आई होप समझ में आया होगा। ही डजंट नो हाउ टू स्पीक हिंदी, लेट अलोन इंग्लिश। अब देखिए, यहाँ पर भी की इंग्लिश भी हम लिख सकते थे इवन। ही डजंट नो इवन हाउ टू स्पीक हिंदी, लेट अलोन इंग्लिश। लेकिन अगर नहीं भी लिखें तो चलेगा। सेकेंड एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, खाना बनाना तो छोड़ो, उसे चाय बनाना भी नहीं आती। ही डजंट नो हाउ टू मेक टी, लेट अलोन कुक फूड। फ्रेंड्स, अगर एक्शन आता है, अगर वर्ब आती है, तो हम लेट अलोन के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। लास्ट सेंटेंस है, उसके पास तो साइकिल भी नहीं है, कार तो दूर की बात। इस सेंटेंस को हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? उसके पास तो साइकिल भी नहीं है, ही डजंट हैव अ साइकिल, या हम इवन भी यूज कर सकते हैं, ही डजंट हैव इवन अ साइकिल, लेट अलोन कार। इस तरह से फ्रेंड्स हम लेट अलोन का यूज करते हैं। सो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें।